नमस्ते, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल संजो जी में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल प्ले रिचार्ज कोड के बारे में। आप में से मैक्सिमम लोग हैं गूगल प्ले का रिचार्ज कोड बना लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आखिर इसका काम क्या है और इसे हम यूज़ कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने भी गलती से बाई मिस्टेक गूगल प्ले का रिचार्ज कोड बना लिया है और उसको नहीं पता कि यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, तो इसके बारे में हम प्रॉपर वीडियोस आपको देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो हमारे फ़ोन के स्क्रीन पर यहाँ पर गूगल प्ले बैलेंस शो हो रहा होगा, जिसे हम गूगल प्ले रिचार्ज के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसको हम दो तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आप में से मैक्सिमम लोगों के सवाल हैं कि क्या इससे हम मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों के ये सवाल हमसे ज़्यादा रहते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आपका भाई पहले से ही बना रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाएगी अगर इस वीडियो को देख लेते हो। तो चलो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसका यूज़ कहाँ है और अगर इस प्ले स्टोर की बैलेंस को कैश में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्ले स्टोर के बैलेंस आप देख सकते हो। आप में से मैक्सिमम लोग हैं बहुत सारे एप्लीकेशन पर जाते हो जहाँ पर गूगल प्ले रिचार्ज कोड को गूगल प्ले को आप गूगल प्ले की बजाय गूगल पे समझ लेते हो, जिससे कि आपका मोबाइल रिचार्ज बन जाता है। अब ऐसे में अगर आप ये नहीं पता कि इसको यूज कहां कहां पर कर पाओगे, चलो देखिए, गूगल प्ले का रिचार्ज कोड जब भी आपसे बनता है ना, तो नॉर्मली इसे हम गेम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्री फायर, पबजी, ऐसे गेमों में ये रिचार्ज कोड जो है वो एक्चुअल में यूज़ होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी इससे लिया जाता है। लेकिन अब बात आती है कि आपको इसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो कैश में कन्वर्ट करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। लेकिन जो सबसे पहला आपका सवाल है कि क्या इससे हम मोबाइल का रिचार्ज कर पाएंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि इससे डायरेक्टली आप मोबाइल रिचार्ज नहीं कर सकते हो जब तक कि इसे कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो आपके डाउट तो क्लियर हो गए ना कि अब हम गूगल प्ले रिचार्ज कोड से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसको कैश में नहीं कन्वर्ट करते। तो चलो अब इसको हम कैश में कन्वर्ट करने का तरीका भी हम आपको साथ सिखा देते हैं। तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिस वीडियो के जिस एप्लीकेशन के बारे में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, हालांकि इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर में जाना है। हालांकि जिस एप्लीकेशन के बारे में अभी मैं बताने जा रहा हूं, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो इजीली आप इसे यूज कर सकते हो। तो एप्लीकेशन का नाम है रिवॉर्ड कन्वर्टर रिडीम कैश। हालांकि इसके बारे में और भी बहुत वीडियो आपने देखी होगी। मैं बार बार एक एप्लीकेशन के बारे में वीडियो क्यों बनाता हूं, सबसे पहले उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। गाइस देखो, होता क्या है कि जो एप्लीकेशन ट्रस्टेड होती हैं तो उसके बारे में हम आपको हमेशा रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपको पेमेंट देते हैं और समय से देते हैं। साथ ही साथ उसके कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो वो भी अच्छे होते हैं। इसी वजह से हम बार बार एक एप्लीकेशन के बारे में अधिकतर रिव्यूज आपको दिया करते हैं। अब देखो करना क्या है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता चल गया कि गूगल प्ले के रिचार्ज कोड से मोबाइल का रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या इसका बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एंड और भी बहुत सारे आप लोग काम सोचते हो, बिल्कुल नहीं कर पाओगे जब तक कि इसे कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे। तो सबसे पहले इसको हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो उसका मोबाइल रिचार्ज, बिजली का बिल जमा करना, बच्चों की फीस जमा करना, जो मर्जी वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं रहेगी। तो पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। हालांकि इस एप्लीकेशन की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री है, कोई पैसा इसका नहीं लगता है, ठीक है। सबसे खास बात है कि ट्रस्टेड है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, कुछ यहाँ पर जो टोटल अमाउंट जो होता है, जो आपको 100% सपोज करो आपने 100 रुपये का ऑर्डर लगाया, तो इस एप्लीकेशन के अंदर 60 रुपीज़ मिलता है। अगर 100 लगाओगे तो 60 मिलेगा। अब इसे अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो रिसीवेबल अमाउंट है गाइस, वो 60% अमाउंट ये लोग देते हैं। टोटल अमाउंट का 60% अमाउंट ये लोग यहाँ से पे करते हैं आप सभी को। ये देखिए, देख लिया ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 50 रुपये हो गया, 100 रुपये हो गया, आप 150, 200, 250, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 7500, 10000, 15000 और 20000 तक का अमाउंट यहाँ पर इन लोगों ने ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल के लिए अगर मैं 50 रुपये करके आपको दिखा देता हूँ, तो 50 जो भी अमाउंट आपको करना है उस अमाउंट पर सिर्फ आपको क्लिक करना है बस, ठीक है। तो क्लिक कर दिया नॉर्मली यहाँ पर, तो इस पर क्लिक कर दिया। अनक्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर
पेमेंट आपको यूपीआई में पेमेंट लेना है कि पेटीएम में लेना है। मुझे पेटीएम में लेना है क्योंकि पेटीएम मैं काफ़ी दिनों से यूज़ करता हूँ, तो पेटीएम सुटेबल लगता है मुझे, तो मैं पेटीएम पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर नेम एज ऑन बैंक, देखिए आपको करना क्या है कि वही नाम डालना है जो आपके बैंक में है। ये मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। अक्सर आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हो, तो यहाँ पर जो हमारा बैंक में नेम है ना वही डालूंगा, बैंक नेम नहीं डालूंगा, बैंक का नेम डालूंगा, सॉरी अपना नेम डालूंगा जो हमारे बैंक। तो मेरा नाम संजू है, तो यहाँ पर मैं संजू डाल देता हूँ। यहाँ पर हम अपना पेटीएम नंबर डालेंगे जिसमें हमें पेमेंट लेना है, तो पेटीएम नंबर डाल दिया, ठीक है। एंड डालने के बाद ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन, यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया जाता है, ये देखिए इस ट्रांसफ़र वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे, देख सकते हो हमारा बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। कितना शो हो रहा है, 124 रुपये यहाँ पर हमारा बैलेंस शो हो रहा है, देख सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, जब का बैलेंस कट होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर से ही कट होना चाहिए, जो बैलेंस दिखाई दे रहा है ना इसी बैलेंस से कट होना, तो हमारा बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए। अगर ये बैलेंस दिखाई दे रहा है तो यहीं से ही आपको ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा ऑप्शन शो होता है जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो वहाँ से इस ऑप्शन को नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से करना है, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है। प्ले गूगल प्ले बैलेंस अगर दिखाई दे रहा है तब आप कर सकते हो। अब यहाँ पे करना क्या है, अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल देना है। एक टाइम डालोगे उसके बाद सेव करोगे तो बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सेफ तरीका गाइस, बिल्कुल सेफ तरीका 100%, ठीक है। और यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करोगे तो ऑलरेडी हमने ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल रखा है, तो इस वजह से अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है एंड अभी पेमेंट हमारा कट हो जाएगा एंड 50 रुपीज़ का ऑर्डर लग जाएगा। अब 50 का अगर हम ऑर्डर लगाते हैं तो हमें 30 रुपीज़ रिसीव होंगे, ठीक है, 30 रुपीज़। अब देखो अकाउंट वाले सेक्शन में जाएंगे, ऑर्डर वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर ये देखिए शो होने लगा, ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर हमारा दिखाई देने लगा, ठीक है। तो आपको जस्ट वेट कर लेना है एंड ऑर्डर आपका यहाँ पर शो होता हुआ दिख जाएगा, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस तरह कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। और सबसे खास बात है यहाँ पर ऑर्डर है, व्हाट्सएप सपोर्ट है, सारी चीज़ें, कॉल बैक रिक्वेस्ट है, हिस्ट्री, यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हो, रिक्वेस्ट डेटा डिलीशन का ऑप्शन दिया, अपना डेटा अगर डिलीट करवाना चाहते हो तो क्लिक करोगे तो उनकी टीम डिलीट भी कर देगी। एंड हेल्प वाले ऑप्शन में जाओगे, देखो एप्लीकेशन का मेन पार्ट जो होता है वो हेल्प एंड सपोर्ट होता है। किसी तरीके की किसी वजह से अगर आपका बैलेंस रुक गया, पेमेंट नहीं आया, होल्ड हो गया, कि कोई भी रीज़न हो, तो डायरेक्टली देखो अगर टीम एक्टिव है, अगर जेन्युइन एप्लीकेशन, तो जाहिर सी बात है सपोर्ट तो देना ही देना चाहिए। तो एप्लीकेशन के अंदर ईमेल का ऑप्शन दिया जाता है, व्हाट्सएप करें डायरेक्टली, व्हाट्सएप पे बात करो टीम से, इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है, एंड रिक्वेस्ट कॉल बैक का ऑप्शन दिया जाता है, देख सकते हो कॉल बैक का रिक्वेस्ट ऑप्शन बहुत कम ही एप्लीकेशन में मिलता है, तो कॉल बैक रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो इस तरह करके आप इन एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म से पर इसको शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह करके गूगल प्ले रिचार्ज कोड को आपको कैश में ले लेना है। देखिए जब भी आप WhatsApp पे मैसेज करते हो गाइज इनके, तो आपको ये बोल देना है कि टेक्निकल संजू YouTube चैनल की वीडियो हमने देखी है और उसी वीडियो को देखकर हम आपके पास आए हैं, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो ना, तो जाके इनके कस्टमर सपोर्ट को वो बोलना है कि हाँ टेक्निकल संजू YouTube चैनल पर वीडियो हमने आपके एप्लीकेशन की देखी है, इसी वजह से हम आपके पास आए हैं, प्रोसेस बता दीजिए, कोई भी तरीके कोई भी दिक्कत आ रही है तो इनकी टीम से डायरेक्टली आप जाके व्हाट्सएप के थ्रू बात करो आप, ठीक है। सो आई होप आपको ये जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अब वैसे मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था कि गूगल प्ले रिचार्ज कोड क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि इसे हम गेम में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बिजली का बिल जमा कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बच्चों की फीस जमा कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कब, जब तक कि आप इसे कैश में कन्वर्ट नहीं करते हो, समझ गए ना। कैश में कन्वर्ट कर लिया, पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर हो गई, आपके पेटीएम में आ गए, आपके यूपीआई में आ गई, अब आप जो मर्जी वो करो, कोई प्रकार किसी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।